हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। फूड वेब कंसिस्ट ऑफ ऑल द फूड चेन इन अ सिंगल इकोसिस्टम। किसी एक सिंगल इकोसिस्टम में जो फूड वेब होता है वो सारी फूड चेन का इंटरकनेक्शंस होता है। यानी कि जैसे फूड चेन होता है वो एक सिंगल सीक्वेंस में चलता है, लेकिन फूड वेब जो होता है वो एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। इसीलिए इसको वेब कहा गया है। ये एक जाल की तरह होता है, मतलब ये एक सीक्वेंस में नहीं चलता। इट इज़ अ नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है, एक नेचुरल इंटरकनेक्शन है किसका, ऑफ फूड चेन्स एंड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट ईट्स व्हाट इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा करके एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। फिर उसके बाद अनदर नेम फूड वेब का है कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम, जिसको हम फूड वेब को कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। फिर उसके बाद कंसिडर सिक्स फूड चेन है। जैसे कि किसी भी एक फूड वेब की अगर बात करें तो वहां पे सिक्स फूड चेन जो है वो उन सिक्स फूड चेन्स का इंटरकनेक्शन हो सकता है। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि जो फूड वेब होता है वो एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, एक सिंगल सीक्वेंस नहीं होता। यहाँ पे हम सिक्स फूड चेन्स को एक फूड वेब में इंक्लूड कर सकते हैं। तो द फूड वेब बिगन्स विद प्लांट्स। फूड वेब बिगन्स किससे होता है, हमेशा, चाहे वो फूड चेन की बात करें चाहे वो फूड वेब की बात करें, स्टार्टिंग उसकी प्लांट से ही होती है। और प्लांट जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनका एनर्जी का सोर्स क्या है, वो सन होता है। यानी कि वो सन से डायरेक्ट एनर्जी गेन करते हैं। प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी होती है। एंड एंड्स विद द टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर में चाहे वो टर्शरी कंज्यूमर हो गए या क्वार्टनरी कंज्यूमर, जो भी, मतलब अगर किसी भी फूड चेन की बात करें जिसमें टॉप के प्रेडेटर जो हैं, जो टॉप के कार्निवोर्स हैं, उन पे जो है एंड कर जाती है। यानी कि कोई भी फूड वेब है तो स्टार्ट हमेशा जो है वो प्लांट से होती है, यानी प्रोड्यूसर से होती है, और एंड जो है वो टॉप का जो कार्निवोर होगा उस पे हो जाती है। जैसे सपोज वल्चर हो गया, ईगल है, हॉक है, ये सब जो है हमारे टॉप के कार्निवोर्स हो गए। फिर उसके बाद देयर आर यूजुअली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वेब। दो डिफरेंट टाइप की फूड वेब होती है। पहली ग्रेजिंग फूड वेब बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी। ग्रेजिंग यानी कि जो हमारा ग्रासलैंड पे प्रेजेंट है, तो वो जो है फोटोसिंथेटिक प्लांट्स पे बेस्ड होगी या एल्गी पे बेस्ड होगी। और जो सेकेंड होती है वो डिट्राइटल फूड वेब होती है, बेस्ड ऑन डिकम्पोजर, जो ऑर्गेनिज्म किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं उस पे बेस्ड जो फूड वेब है वो डेट्राइटल फूड वेब कही जाती है। फिर उसके बाद अगर फूड वेब का हम डायग्राम देखें, मतलब इस डायग्राम से हमें इतना समझ आएगा कि बहुत ही शॉर्ट में मैंने बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो फूड वेब की हुई है वो ग्रास से हुई है। और अब अगर बात करें तो इसको प्रोड्यूसर कहेंगे, क्योंकि ये जो है ग्रीन प्लांट है, ये एनर्जी जो है डायरेक्ट सन से ले रहा है, तो इसको सन से जो है एनर्जी मिल रही है। अब इसको जो खाएगा, यानी कि जो ग्रास पे डिपेंड है, ग्रास एक हर्ब भी हुआ, तो जो हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, जैसे ग्रासहॉपर हो गया, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हर्ब्स खाते हैं, बहुत सारे जो हर्बीवोर्स हुए जैसे रैबिट हो गया, गोट, काऊ, बफेलो, ये सारे जो है, फिर ये ग्रास से अपना फूड लेंगे, तो ये इस पर डिपेंड है। माउस है, वो भी जितनी भी ग्रास, जितनी भी हमारे फील्ड में जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं उन्हें खाते हैं। फिर उसके बाद ये तो हमारे हो गए प्राइमरी कंज्यूमर जो इसको ले रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पे आप फूड वेब क्यों बन रहा है, ये जाल क्यों बन रहा है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिजम्स पे कई चीज़ें डिपेंड हैं। फूड चेन में हमने देखा था कि जो एक सिंगल चेन बनती है, तो उस सिंगल चेन को हम फूड चेन कहते हैं। यहाँ पे फूड वेब जो है वो एक नेटवर्क है, जहाँ पे इस ग्रास पे तीन चीजें डिपेंड है, रैबिट भी डिपेंड है, ग्रासहॉपर भी डिपेंड है, माउस भी डिपेंड है। फिर उसके बाद इस रैबिट को खाने वाला, यानी कि इस हर्बीवोर को खाने के लिए स्नेक भी इसे खाता है, फॉक्स भी इसे खाता है, यानी कि जो कार्निवोर्स हुए वो रैबिट को खा के अपनी एनर्जी लेंगे, फूड लेंगे। फिर उसके बाद फ्रॉग जो है वो ग्रासहॉपर को खा रहा है, इसी फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है, स्नेक रैबिट को भी खा रहा है,
फॉक्स जो है वो भी रैबिट को खा रहा है, ये स्नेक जो है माउस को भी खा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कई जगह से एनर्जी ले रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक नेटवर्क बना रहे हैं। फिर जो टॉप के जो कार्निवोर्स हैं वो हॉक हो गया, फॉक्स हो गया, स्नेक हो गए, तो ये टॉप के कार्निवोर्स हैं। ये यानी कि ये इन मतलब ये जो है इनको सिर्फ इनके जो नेचुरल एनिमी हैं वो बहुत ही रेयर आपको मिलेंगे, तो इनको सिर्फ इनकी डेथ पे, इनको डिकम्पोजर सिर्फ ब्रेक डाउन करते हैं सिर्फ डेथ पे, या तो डेट्रीवोर्ड जितने भी होते हैं वो जो है टॉप के कंज्यूमर्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आप फूड वेब में इस डायग्राम में यही तो देखा कि जो फूड वेब है वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, यानी कि एक इंटरकनेक्शन, नेचुरल इंटरकनेक्शन है कि कौन किसको खा रहा है। तो ये हुआ हमारा फूड वेब।